दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी और बारिश शुरू हो गई। अब चलेगी भी? रिक्शा कब से खड़ा है? थोड़ी देर और रुका तो ज्यादा पैसा मांगने लगेगा वो, और वैसे भी अदालत पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग ही जाएगा। माँ बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों के नीचे उतरी। रिक्शा वाले को रुकने का इशारा करके बाबा के लाइब्रेरी वाले कमरे में कुछ कागज़ बटोरने चली गईं। सुधा अभी भी आईने के सामने ही बैठी हुई थी। एक अरसा हुआ था उसे यूं आईने के सामने बैठे हुए। कई महीनों से बाहर आना जाना भी तो नहीं हुआ था। ज़्यादातर वक्त आंगन के पलाश तले या खिड़की पे बैठे बैठे गुजरता था। ये दिन इस तरह आएगा किसने सोचा था? जो हुआ वो क्यों हुआ और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार था, कुछ पता नहीं। वो नदी में बहते पत्ते सी बस बहती जा रही थी। आज अदालत फैसला सुना ही देगी और सुधा और महेन कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। माँ तो शुरू से ही इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, पर बाबा के सामने कुछ कह नहीं पाई। सुधा की नजर आईने से हटकर खिड़की के उस पार गई तो सामने वाले घर में साहू आंटी देबू का गीला सर पोंछ रही थीं और 8 साल का देबू माँ पर पानी छिड़क कर उन्हें चिढ़ा रहा था। महेन भी तो ऐसा ही था, बिल्कुल 8 साल के बच्चे जैसा। कहने को बॉटनिस्ट, पर कोई रोके ना तो मोहल्ले के बच्चों के साथ पिट्ठू फोड़ या विषमृत ही खेलने लग जाए। अभी पिछली बरसात की तो बात है, सुधा अपनी खिड़की में बैठी गजल लिख रही थी। 2 दिन बाद मुशायरा था। सुबह से मुसलसल बारिश जारी थी। दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो सामने महेन था, सिर से एड़ी तक पूरा का पूरा भीगा हुआ। दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुस आया और सोफे पर बैठ गया। सुधा उबल पड़ी। ओफो, पूरा सोफा गीला कर दिया, उठो वहां से। और अब सर किससे पोंछोगे? तीनों तौलिए गीले हैं, छाता का छोड़ा है। तुम ना बोलते वक्त सांस लेना भूल जाती हो सुधा, महेन ने मुस्कुरा कर कहा। वो सुधा की साड़ी से सर पोंछने लगा। वो उसे पल भर को निहारती रही। पूरी दुनिया के सामने अकड़ू बनकर घूमने वाला प्रोफेसर महेंद्र भट्टाचार्य उसके आगे बिल्कुल बच्चा बन जाता है। सर पोंछते पोंछते महेन एकदम से कांप गया। उसे सर्दी लग रही थी। तुम्हारी काली चाय मुझसे नहीं बनती, गोरी पियोगे? सुधा ने उससे पूछा और नजर छाते पर पड़ी। ले तो गए थे छाता तुम, फिर इतने कैसे भीग गए? जो छाता आपने थमाया था मैडम, पूरा छलनी है, छलनी। महेन ने छाता खोला तो उसमें बहुत सारे छेद थे। उसने छाते का पानी सुधा पर छिड़का और दोनों हंसने लगे। अब चलोगी भी? मां की तीखी आवाज ने यादों की कांच पर पत्थर मार दिया। सुधा ने अपना लाल छाता उठाया और सीढ़ियों से उतरने लगी। निकलने से पहले उसने एक नज़र आईने में खुद को देखा तो लगा कि मानो कोई बिना बाती का दिया हो, बिना पत्तों का पेड़ या बिना खुशबू का फूल। उसकी आंखों तले काले दाग पड़ गए थे, चेहरा सूख चुका था। उसके माथे पर एक सफ़ेद बाल दिख गया तो उसने खींच कर उखाड़ दिया। आजकल खुले बालों का बोझ लगने लगा था, वो जूड़ा बांधने लगी थी। माँ नीचे साइकिल रिक्शा पर उसका इंतजार ही कर रही थी। सुधा कर बैठ गई और रिक्शा चल पड़ा। माँ की बातों का सिलसिला जारी था, दुनिया भर की बातें जो सुधा के कानों तक पहुँच नहीं पा रही थीं। उसका मन अभी भी मिदनापुर के उसी घर की खिड़की में अटका था जहाँ वो गजलें कहती थी और महेन उनको सुनता था। पता ही नहीं चला कि कब उस खिड़की से उठकर वो दोनों अदालत की सीढ़ियों तक आ गए थे। जब तलाक की बात चली तो क्यों महेन ने चुपचाप हामी भर दी? क्या एक दफा भी उसने मुझसे सवाल किया? रोका था मुझे जब मैं घर छोड़कर आ रही थी। मेज पर कुछ पैसे छोड़कर भरी बारिश में घर से निकल गया था वो। अलविदा कहना उसकी फितरत में ही नहीं है। बस एक टैक्सी खड़ी हो गई थी दरवाजे पर आकर, उसी ने भेजी होगी। ऐसे वक्त वो बिल्कुल कठोर हो जाता था। रूठने मनाने के खेल में उसे यकीन ही नहीं था। आज तक कभी मनाया है उसने मुझे आकर? मैं खुद ही कुछ देर बाद बात पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ जाती थी। रास्ते के गड्ढे ने सुधा की बेहोशी पर होश का पानी छिड़क दिया। सुधा की यादों का साइकिल रिक्शा फिर से चल पड़ा।
महेन और सुधा दोनों को बारिश बहुत पसंद थी। कई बार दोनों छत पर जाकर बरसते पानी में लेट जाते, आसमान को तकते रहते, शर्त लगाते रहते कि इतने बादल खाली होने में कितना वक्त लगेगा। जो शर्त हारेगा वो विष्णु दादा के ठेले पर ले जाकर दूध चाय पिलाएगा। सुधा कभी नहीं हारी, या यूं कहो कि महेन उसे हर बार जिता देता था। इस जीत के तोहफे में सुधा ने कभी लाल छाता मंगा लिया तो कभी दीवाने गालिब। बारिश के मौसम में हर बार महेन जुकाम पकड़ लेता, उसके घुंघराले बालों में बारिश का पानी जम जाता और अगले ही पल वो छींकने लगता। पर बारिश में छत पर भीगना कभी नहीं छूटा। बागीचे में तीन तरह के अदरक के पौधे थे जो चाय के जायके में इजाफा करते। बारिश के पहले हर साल वो न जाने कितने सारे पौधे ले आता, कितने सारे गमले ले आता। सारा का सारा घर पौधों से भर जाता। आंगन में कितने फूल महकते रहते, खिड़कियों पर कितनी बेलें चढ़ जाती। सारी की सारी बॉटनी घर में आजमाई जाती थी। बारिश के बाद अक्टूबर में घर तितलियों से भर जाता, सारी बेलें लद जाती। महेन को रंग से ज्यादा खुशबू से लगाव था। इसी खुशबू के प्यार में उसे इत्र इकट्ठा करने का शौक चढ़ गया था। वो न जाने कहां कहां से नन्ही नन्ही इत्र की शीशियां ले आता, कभी कन्नौज, कभी लखनऊ, तो कभी औरंगाबाद। सर्दियों के लिए मुश्किल रिजाली, गर्मियों के लिए रूह खस और जन्नतुल फिरदौस, जिसे हर मौसम में लगाया जा सकता था। एक नन्ही अलमारी इन्हीं शीशियों से भरी रहती। सुधा को रंगीन फूल पसंद आते, भले ही फिर वो खुशबू ना देते हों। वो रंग बिरंगे फूल लगाने की जिद करती। मोगरे और जूही से महेन का बाग महक उठता। बस एक रंग था जो उसे भी पसंद था, सुधा की नेल पेंट का रंग, और सुधा को उसकी महक पसंद थी। उस शाम जब सुधा गजल लिखने बैठी तो महेन ने उसका पांव गोद में रख लिया और देर तक नेल पेंट लगाता रहा। तुमने सुबह अलमारी से कुछ पैसे निकाले थे क्या? महेन ने सवाल किया तो सुधा ने अपनी डायरी से गर्दन उठाए बिना ही जवाब दिया, मानो शेर ही लिख रही हो। गिन गिन के हर ख्वाब रखने लगा है, वो इश्क में हिसाब रखने लगा है। ताना ताना मार रही हो, अभी रुको तुम। महेन ने सुधा के पांव को जकड़ लिया और एड़ियों में गुदगुदी करने लगा। सुधा पांव छुड़ाकर किचन की तरफ दौड़ी और महेन भी उसके पीछे भागा। पानी उड़ेल दूंगी पास आए तो, सुधा ने हाथ में पानी का जग लेकर उसको धमकी दी। अच्छा, रोज तो बारिश में भिगोती हो। महेन आगे बढ़ा तो उसकी नजर गैस चूल्हे के बगल में रखे एक बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स खोलते हुए पूछा, नई कटलरी? पुरानी वाली ठीक ही तो है। सुधा ने एक बार आंख चुराई, फिर बोली, वो तो शादी में गिफ्ट में आई थी, इतनी पुरानी है, मेरा मन किया कि नई ले आऊं। महेन उसके करीब आ गया। तुम सफाई क्यों दे रही हो बाबा? तुम्हारा मन किया तुम ले आई, बात खत्म। महेन ने उसका माथा चूम लिया। वो पलटा तो सुधा हौले से बुदबुदाई, माँ आ रही हैं, उन्होंने पिछली बारी इस कटलरी को बदलने को कहा था। महेन का चेहरा एक पल के लिए बुझ गया, फिर उसने हंसी ओढ़ ली। कोई बात नहीं, मैं पौधों में पानी दे आता हूँ। बीती फरवरी में बाबा केरला चले गए थे। उनके ट्रांसफ़र का अब माँ की सेहत पर असर होने लगा था। वो उनके साथ नहीं गई, यहीं मिदनापुर आकर रहने लगी थी। फूलों से लदी नील लता की बेल खिड़की पर कब्जा कर चुकी थी। माँ को पता नहीं किस कीड़े ने काट लिया कि माँ ने बेल ही उखाड़ दी। महेन कॉलेज गया हुआ था। सुधा जानती थी कि महेन इससे बहुत नाराज होने वाला था। वैसे भी इन दिनों वो चुपचाप सा रहने लगा था, उसकी रिसर्च में दिक्कतें आ रही थीं। तीन तीन कॉलेज में लेक्चर देकर वो थका हारा घर आता और माँ उसे आते ही अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने को कहती। उसके लिनन के कपड़ों से लेकर बढ़ी हुई दाढ़ी तक माँ को हर चीज से दिक्कत थी। वो नसीहतें पिलाने लगती, महेन चुपचाप सुनता रहता। कभी कभार सुधा ही पलटकर माँ को जवाब दे देती, माँ अपियरेंस से भी बढ़कर कुछ होता है, तुम दिखावे में ही क्यों उलझ कर रह जाती हो? भाई थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन सीखने में क्या हर्ज है? माँ उठकर अंदर चली जाती और महेन अपने कमरे में चला जाता। दूध चाय या काली चाय की जगह ग्रीन टी ने ले ली थी। लूची बनना ही बंद हो गई थी।
महेन को इस बात से कभी शिकायत नहीं रही कि रसोई या घर बदल रहा है, पर उसे इस बात की नाराजगी थी कि ये सारे फैसले वो और सुधा नहीं बल्कि कोई और ले रहा है। महेन ने जिंदगी में सारे फैसले हमेशा खुद ही लिए थे। वो कहता था कि खुद लिए हुए फैसलों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए इनके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आजकल उसने ड्राइंग रूम में बैठना ही छोड़ दिया था। कॉलेज से लौटकर सीधा कमरे में घुस जाता। शायद अब उसे सिर्फ अपना कमरा ही अपना लगता था या बागीचा। अपने पौधों के बीच वो ज़्यादा समय बिताने लगा था। सुधा ये सारे बदलाव महसूस कर रही थी। वो न माँ को जाने को कह सकती थी, न ही महेन को ये सब अपनाने को। उस शाम जब महेन लौटा तो उसकी नज़र उस बंजर खिड़की पर गई जहाँ सुबह नील लता खिल रही थी। माँ आंगन में बैठकर गीतांजलि पढ़ रही थी। महेन ने अपना बैग फर्श पर पटका और सीधे आंगन में आकर माँ के सामने बैठ गया। आप मेरे पौधों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर। महेन उठकर अपने कमरे में चला गया। सुधा रसोई की खिड़की से सब देख रही थी। माँ ने इस बात को लेकर बड़ा हंगामा किया और अगली सुबह ही कलकत्ता लौट आई। उन्हें न महेन ने रोका न सुधा ने। सुधा का मन खट्टा हो गया था। महेन ने माँ को जाने से रोका क्यों नहीं? वो बड़ी हैं, क्या उनका नाराज होने का भी हक नहीं? ये देखो, ये मर्चेंट नेवी में है। क्वाइट अ बॉय ही इज, फोटो तो देख ले। माँ सुधा के लिए तीन रिश्ते लाई थीं, एक नेवी वाला और दो बिजनेसमैन। पर सुधा का दिल इस प्रोफेसर पे आ गया था। लखनऊ के सालाना मुशायरे में सुधा पहली बार गजल पढ़ रही थी। सुनने वालों में एक घुंघराले बालों वाला लड़का उसकी आंखों में आंखें गड़ाए उसके हर शेर पर दाद दे रहा था। तुम्हारे राज सभी शहर को बताता है, बदल दो शहर या वो राजदां बदल डालो। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, राजदां बदल डालो, वाह। मुशायरे के बाद अपनी हथेली आगे बढ़ाकर वो सुधा के सामने खड़ा हो गया। माफ कीजिए, कागज नहीं है। सुधा उसको सवालिया नजरों से देखने लगी तो बोला, ऑटोग्राफ मांग रहा हूं। कल को आप गालिब मीर जितनी बड़ी हो गई तब थोड़े ऑटोग्राफ देंगी। सुधा ने अपनी पर्स से इंक पेन निकाला और महेन की हथेली पर नोक गड़ाकर साइन करने लगी। हथेली पर होती गुदगुदी से महेन की हंसी छूट रही थी, लेकिन वो उसे होठों के नीचे दबा रहा था। साइन करके सुधा ने नोक चुभो दी तो महेन की हल्की सी चीख निकल पड़ी, आह चुभा क्या? सच्चे मुरीद ऑटोग्राफ मिटने नहीं देते, हथेली धोइएगा नहीं। सुधा की आंखों में शरारत थी। फिर कई मुशायरे हुए पर पहली सीट पर बैठा सुनने वाला घुंघराले बालों वाला लड़का नहीं बदला। एक रोज उसे बाबा से मिलवाया। जब बाबा को पता चला कि महेन पौधों में होने वाले कम्युनिकेशन और उनके इमोशंस पर रिसर्च कर रहा है, बाबा ने उसी दिन सुधा से कहा था कि जो पौधों में भी जज्बात ढूंढ रहा है उसे हाथ से जाने मत देना। शादी वाले दिन भी बरसात हुई थी। कहते हैं कि फेरों की गांठ पर बारिश का पानी पड़े तो वो और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन अब तो वो रेजा रेजा खुल रही थी। शादी के बाद एक दिन अचानक महेन उसे पुरानी दिल्ली ले आया। उसने कहा था कि कोई कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ट्रेन से उतरकर उसे सीधे बल्ली मारा ले गया, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की हवेली पर। सुधा की आंखें भर आईं। लड़कपन में जब से लिखना शुरू किया था ना, यहां आने का सपना पाल बैठी थी। सुधा हवेली की दीवारों पर हाथ फेरती रही, उसकी आंखें बहती रहीं। महेन एक दीवार से टेक लगाए उसे बस देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो? सपने पूरे होते हुए देखना कितना अच्छा लगता है ना? महेन ने उसका हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया था। मुझसे ज्यादा तो तुम खुश लग रहे हो मुझे यहां लाकर। सुधा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। पता सुधा प्यार क्या होता है? उसके सपनों से प्यार करना ही प्यार होता है, बाकी सब लफाजी है। आसमान और सुधा की आंखें दोनों भर आए थे। इतना प्यार कैसे हो सकता है किसी को किसी से? महेन के घुंघराले बालों में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें जमने लगी थीं और बारिश शुरू हो गई थी। महेन अक्सर कहता, जब जब बारिश हो और मैं साथ न रहूं तो
समझ लेना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अदालत पहुंच गए बीबी जी, साइकिल रिक्शा वाले की आवाज ने सुधा को जगा दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। उसे अपनी ही सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। उसने अपना लाल छाता थामा और बेसुध होकर वहीं खड़ी हो गई। उसे यह भी होश न रहा कि माँ कब उसका हाथ पकड़कर उसे अदालत की सीढ़ियों तक ले आई। सुधा बड़े भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे डर था सीढ़ियां खत्म होने का, अदालत का, दलीलों का, वकीलों का, जज का और महेन का। उस शाम बारिशों के बाद का वो झगड़ा जिंदगी भर के लिए दिल में रह गया था। माँ ने न जाने घर में कितना कुछ बदल दिया था। अब घर किसी आर्ट फिल्म का सेट नहीं लगता था। सुधा खुश थी, महेन चुप था, पर जब बात ये घर छोड़कर नया मकान लेने की आई तो महेन ने चुप्पी तोड़ दी। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या सुधा? तुम गलतियां करने से डरती हो, तुम दूसरों की सलाहों पर जीती हो और हर कोई तुमको अपने एक्सपीरियंस पे सलाह देगा। जरूरी नहीं कि तुम प्रोफेसर ही झाड़ना बंद करो महेन, मैं थक चुकी हूं तुम्हारी इस फिलॉसफी से। अगर घर में चार चीजें बदल रही तो तुमको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये चीजें पराई हैं, ना तुम्हारी हैं ना मेरी हैं। मैं अपनी चीजों में खुश हूं सुधा, क्या यही फलसफे तुम्हारी गजलों में नहीं होते? वो लिखने की बातें महेन, ये जीने की, दोनों में बहुत फर्क है, यही तो दिक्कत है। मैं अपनी फिलॉसफी जीता हूं इसलिए मैं खुश हूं। नहीं है मेरे पास बहुत पैसे या बड़ा मकान, पर मैं खुश हूं। मेरे लिए मेरा बागीचा, तुम्हारी गजलें, हमारी इत्र की शीशियां, ये काफी है। सुधा ने गुस्से में इत्र की शीशियों वाली नन्ही अलमारी धकेल दी। सारी शीशियां टूटकर बिखर गईं। फर्श पर रंगीन कांच के टुकड़े चमकने लगे। सर्दियों के लिए मुश्किल रिजाली, गर्मियों के लिए रूह खस, जन्नतुल फिरदौस जिसे हर मौसम में लगाया जा सकता था, सब चूर चूर होकर फर्श पर पड़े थे। इत्र की खुशबुओं से बागीचे की सारी तितलियां घर में दाखिल हो गई थीं। गली के मोड़ तक सारी खुशबुएं फैल गई थीं। इतने सारे कांच के टुकड़े सब के सब महेन के दिल में चुभ गए थे। वो हार कर वहीं निढाल होकर बैठा रहा। पल भर को फर्श की ओर नजरें गड़ाए देखता रहा। उसकी आंख में पहली बार आंसू उभरा था। वो चुपचाप उठा और घर से निकल गया। सुधा वहीं खड़ी उसको जाता हुआ देखती रही और बारिश शुरू हो गई। अदालत में जो होता है वही हुआ। एक रिश्ते की नब्ज काटी गई और दो जख्मी लोग बाहर निकल कर आ गए। सुधा को एक पल में अंधेरा दिखने लगा। महेन से अलग होना था ये पता था उसे, पर अलग होने के बाद कैसे जीना है, क्या करना है, सब अंधेरा था। वो अदालत के बाहर चुपचाप खड़ी थी। माँ वकील से कुछ बतिया रही थी। महेन काफी देर से कोने में खड़ा था, फिर न जाने क्या सोचकर सुधा के पास आ गया। कुछ देर बैठ सकते हैं अगर तुम कहो तो? सुधा ने न जाने कितने महीनों बाद उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। आंखों तले कालिख उभर आई थी, मूछों में कुछ सफेदी भर गई थी, कनपटी पर हल्की हल्की झुर्रियों के जाले चढ़ रहे थे। कुछ महीनों में ही उसकी उम्र सालों सालों बढ़ गई थी। पल भर को वो उसको निहारती ही रह गई, फिर उसके पीछे चल पड़ी। माँ ने बाँह पकड़कर कहा, जल्दी आना, घर जाना है। कौन सा घर? सुधा का मन सवालों से भारी हो गया। दिन भर से तप कर अब गुनगुनी होती हुई अदालत की पिछली वाली सीढ़ियों पर दोनों बैठ गए। सुधा दाहिने पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदती रही। महेन ने मुस्कुराकर पूछा, ये चश्मा कब से पहनने लगी? हो गए कुछ महीने, समझदार लगने लगी हो। महेन की मुस्कुराहट में पूरी ईमानदारी थी। फिर खुद ही आगे कहने लगा, इतना लिखना पढ़ना होने लगा है, अब कहाँ लिख पाती हूँ कुछ। क्यों, जज्बात जाहिर करने में तो माहिर हो तुम सुधा। महेन रुमाल से अपनी नाक पोंछने लगा। फिर जुकाम पकड़ लिया तुमने, होम्योपैथी की दवा क्यों नहीं लेते? वो शीशी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखती मैंने। तुमने कहाँ रखी तो मैंने थी, बिस्तर की बाईं तरफ वाली दराज में ही तो है। सुधा का मन चीख उठा। वो महेन की उंगलियों को देखती रही। दिल ने 10 बार चाहा कि उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा कर उसका हाथ थाम ले, पर अब हाथ थामने वाली वो थी ही कौन, क्या नाता था?
सुधा ने अपने आप को संभालना सीख लिया था इन दिनों। नीललता फिर चढ़ गई होगी ना खिड़की पर, सुधा ने बात बदलते हुए पूछा। क्या पता, अब तो बाग ही सूख गया है, महेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर कहा, इस चश्मे और जूड़े में बिल्कुल इजाजत की रेखा लग रही हो, सुलझी सुलझी सी। सुधा के होठों पर एक लंबे अरसे के बाद मुस्कुराहट आई और ठहरी भी, फिर खुद ही खड़ी हो गई, अपना लाल छाता उठाया और कहने लगी, अब मुझे चलना चाहिए महेन, ख्याल रखना। किसका, महेन ने कहा। सारे सवालों के जवाब कहाँ दे पाऊंगी मैं। सुधा मुड़ी और बस चलने ही वाली थी कि महेन ने कहा, मैं जैसलमेर शिफ्ट हो रहा हूं, वहां कॉलेज ज्वाइन कर लिया एक। सुधा मुड़ी और ठहर गई। जैसलमेर, एकदम उस छोर क्यों जा रहे हो। महेन ने कहा, सुना है वहां बारिश नहीं होती। सुधा की आंखें भर आईं। महेन मुड़ा और चलने लगा। वो वहीं बुत बनी खड़ी रही। उसके मन में महेन की वो बात शोर करती रही, जब जब बारिश हो और मैं साथ ना रहूं तो समझ लेना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और बारिश शुरू हो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।